हेलो, आज मैं आपको बैंगन की और जो बैंगन के साथ मैंने इंटरक्रॉपिंग ले रखी है मेथी की फसल के बारे में आपको बताऊंगी कि ये मैंने कब लगाई है। अब आप देख सकते हैं, एक महीने पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने अरबी हार्वेस्ट करी थी और उसमें ही मैंने बैंगन के छोटे छोटे पौधे ला के लगा रखे थे। यह मैंने अगस्त के लास्ट सप्ताह ला के इसमें लगा दिए थे, आप देख सकते हैं। और अब 15 दिन के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इनकी पोजीशन। जैसे ही अरबी निकली उसके बाद ये एकदम से बड़े हो गए और इनके बीच में मैंने मेथी का बीज भी डाल दिया है और मेथी भी जर्मिनेट हो गई है। मेथी 2-3 दिन में ही जर्मिनेट हो जाती है अगर इसको सही वातावरण मिले तो, आप देख सकते हैं। अब मैं दोनों फसलें एक साथ ले सकूँगी नवम्बर में। अब मैं आपको इन दिनों की पोजीशन दिखाती हूँ क्या है। मेथी भी बड़ी हो गई है और बैंगन के पौधे भी बड़े हो गए हैं। बैंगन समय समय पर लगते रहते हैं तो आप भी लगा सकते हैं इनको सर्दी में, गर्मी में और बरसात में। अलग अलग टाइम पे अलग अलग किस्म के बैंगन होते हैं ये, और कई तरह के बैंगन होते हैं, हरे, सफ़ेद, काले और बैंगनी कलर के, और ये लंबे और गोल होते हैं। मैंने गोल बैंगन लगा रखे हैं, देख सकते हैं आप, पौधों में लगे हुए हैं। काफ़ी हार्वेस्टिंग हुई हुई है इनकी। हार्वेस्टिंग बिल्कुल सही समय पे तोड़ें आप इनको। ज़्यादा बड़े कर लेंगे तो इनके बीज अंदर से पक जाएंगे और फिर इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। आप भी इस तरह से गमलों में, पॉली बैग में, किसी में भी आप बैंगन लगा सकते हैं और उनके साथ आप पालक की और मेथी की इंटरक्रॉपिंग ले सकते हैं। दोनों फसलें आपको एक साथ मिलेंगी। थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तो आपको घर की बिल्कुल ताज़ी सब्जी मिलेगी। और आप अब मेरे बगीचे के बैंगन देख सकते हैं, एकदम ताज़े और फ्रेश हैं और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। आपको दिखाती हूँ मैं, देखो। आप भी बीज द्वारा या पौध लाके बाज़ार से लगा सकते हैं। इस तरह से हमारे एरिया में आराम से पौध मिल जाती है इसलिए हम पौध लगा लेते हैं। अगर आपके एरिया में आसानी से पौध नहीं मिलती है तो आप बीज लाकर उनकी पौध बना कर फिर लगा सकते हैं। अब आप मेरे देख सकते हैं, मेथी भी लग रही है और साथ के साथ बैंगन भी चल रहे हैं। मेथी देखो कितनी अच्छी हो रही है। और मेथी को मैं हमेशा चाकू से काटती हूँ ताकि जब दूसरी बार सेकेंड टाइम जब ये निकले तो बराबर निकलती है काटने में। मेथी 2 या 3 बार ही कट पाती है, उसके बाद दोबारा फिर लगानी पड़ती है। मेरे को जितनी ज़रूरत है मैं अभी उतनी ही मेथी काटूंगी। ये देखो, ये मेरे आप सर्दी के बैंगन देख सकते हैं और ये मेथी देख सकते हैं कितनी अच्छी है। अब मैं आपको समर वाले बैंगन दिखाती हूँ। ये मुझे अभी भी हार्वेस्टिंग दे रहे हैं। उस समय इन्होंने हार्वेस्टिंग कम कर दी थी और कीड़ा लगना चालू हो गया था तो मैंने सारी टहनियाँ ऊपर से काट दी थी और अब नई टहनियाँ फूटी आई हैं इनमें और उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चालू हो गई है दोबारा से। आप देख सकते हैं एकदम स्वस्थ हैं सारे पौधे। करीब करीब दोबारा से मुझे बैंगन देना स्टार्ट कर दिए। अब मैं आपको हार्वेस्टिंग करके दिखाती हूँ। इनमें से एक पौधा मैं दिखाऊंगी, मेरे 2 साल का है वो भी अभी भी मुझे दे रहा है। ऊपर से काट दिए थे मैंने गोल बैंगन ने बड़ा, तो ये देखो ये 2 साल का पौधा है कम से कम और अभी भी दे रहा है मुझे बैंगन। तो इसलिए आप भी कभी बैंगन के जो पौधे लगाएं तो उन्हें जड़ से ना उखाड़ें, ऊपर से काट दें, वो दोबारा से फ्रूटिंग चालू कर देते हैं देनी। एक साइड मैंने लंबे काले बैंगन भी लगा रखे हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी दोबारा से मुझे फ्रूटिंग देनी उन्होंने चालू कर दी है। ज़्यादातर लंबे बैंगन गर्मी में आते हैं, सर्दी में कम आते हैं, सर्दी में गोल बैंगन ही आते हैं। आप गोल बैंगन का भुरता बना के खा सकते हैं, बच्चों को भुरता बहुत पसंद होता है। और अब आप मेरी टोकरी में 3 तरह के बैंगन देख सकते हैं। अगर आपको मेरी बैंगन की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।